उधर बिहार में जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको पता है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को बीजेपी मुआवजा देने की मांग कर रही है कि राज्य सरकार उनको मुआवजा दे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा देने से साफ मना कर दिया गया है। आज गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। शराब में जान गंवाने वाले लोगों को के परिजनों को मुआवजा देने की मांग और शराब से जुड़े हुए जो अनियमितताएं हैं बिहार में उन सभी मामलों पे महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी बिहार के सांसदों ने धरना दिया। हमारे साथ कुमार मोदी हैं। सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी तीन मांग है। पहली मांग तो ये है कि पहली बार शराब पीने के जुर्म में जो लोग जेल गए हैं उनको आम माफ़ी का उनको देना चाहिए, आम माफ़ी देनी चाहिए। क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा FIR हो चुका, 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं और इतने गरीब तबके के लोग हैं कि वो लोग मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं, और इसलिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। दूसरा कि जो लोग जेल गए हैं और जो लोग मर गए हैं तो जो मृतक परिवार उनको मुआवजा सरकार को देना है। कि बिहार सरकार का प्रावधान है कानून कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर 4 लाख का मुआवजा दिया है। जब प्रावधान है तो फिर आप क्यों नहीं मुआवजा देंगे? और तीसरा कि शराब तस्कर इतनी ताकतवर हो गए हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं लगातार। कल भी रूनी सैदपुर में हमला हुआ, बगाम में हमला हुआ, तो आए दिन तस्कर जो हो पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। सरकारी जो गठबंधन है शराब तस्कर पुलिस के साथ का, उसको उस पर अंकुश लगाए, उसको रोकने का। आपको लगता है कि बालू माफिया की तरह से शराब माफिया भी बिहार में अपना पैर पसार चुका है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का संबंध बालू माफिया से भी है, शराब माफिया से। जितने बिहार में शराब माफिया या बालू माफिया हैं उन सबों का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इसलिए सरकार रोक नहीं पा रही है। अब तो वो डिप्टी CM आगे भावी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सरकार बिहार में रोक नहीं पाएगी, स्थिति नियंत्रण के बाहर होगी।